डियर किड्स, वेलकम बैक अगेन इन योर नेक्स्ट लेक्चर। अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाई किया था, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर नंबर 5 कंजंक्शन इन योर फैंसी बुक। हमने चैप्टर नंबर 5 को बुक में पूरा कंप्लीट किया है। मैंने आपको कंजंक्शन के बारे में बताया था, कहां पे एंड यूज होता है, कहां पे बट यूज होता है, कहां पे आर यूज होता है। आज हम वही सेम कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिपीट करेंगे और हम आज ये कॉन्सेप्ट करेंगे आपकी इंग्लिश नोटबुक में। सो आप अपनी इंग्लिश नोटबुक ओपन करेंगे, हेडिंग डालेंगे मेरे साथ में कंजंक्शंस। ओके, चैप्टर नंबर 5, यस राइट, चैप्टर नंबर 5 कंजंक्शंस, राइट हेडिंग इन योर नोटबुक कंजंक्शंस। ओके, कंप्लीट दिस हेडिंग इन योर नोटबुक एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या-क्या है? फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर अबाउट कंजंक्शंस। एंड इज अ कंजंक्शन, देन बीयूटी बट, देन ओआर और। आज हम इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन में, एंड बट और ऑर। ओके, हम ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपको पहले लिखना है एंड, आफ्टर राइटिंग दिस आपको मिडिल ऑफ द नोटबुक आपको लिखना है एंड। हम पहले कॉन्सेप्ट एंड वाले कंप्लीट करेंगे, तो आपको पहले एंड लिखना है, देन आपको एंड लिखने के बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो आप मेरे साथ लिखिए, वी यूज A and D and with, हम and किसके साथ में यूज करते हैं? सिमिलर सेंटेंस के साथ में, ठीक है? सो with सिमिलर सिमिलर नेचर सेंटेंसेस, फुल स्टॉप। ओके, फर्स्ट टू कंप्लीट दिस। Now read with me. We use and with similar nature sentences. जो similar nature के sentence होते हैं, उनके साथ में हम use करते हैं a and d and. Okay, now I will write some of the sentences using a and d and. After writing this explanation, now write number 1 in your notebook. Number 1, now write, I have, H-A-V-E, have, I have a pen, P-E-N, pen, and, A-N-D, and, a pencil, P-E-N-C-I-L, full stop. I have a
देन नंबर टू Now see here, I have no space on my board, so I am going to rub the board. If you have space, you can write number 3 after giving the gap of one line. Otherwise, you can also take new page. Okay? Number 3, okay, on number 3 I have to write Rima, R-I-M-A, Rima has, Rima have a red, R-E-D, red color. B-E-L-T, belt है, belt, full stop. रीमा के पास क्या है? Red color की frock है और blue color का hair belt. Rima have a red color frock and blue color hair belt. Number 4. She has, okay? She has.
पैकेट PACKET पैकेट ऑफ पेंसिल्स। Full stop. Okay. She has a packet of crayons and a packet of pencils. So now again I had taught you where to use and, and का use हम कहाँ करते हैं? जब हम similar type के nature का sentence के बारे में बात करते हैं, मतलब हम बता रहे हैं कि मेरे पास red color की frock है और blue color का hairband है, ठीक है? आज मैंने नाश्ते में milk और bread किया खाया, तो हम same बारे में बात कर रहे हैं, same चीजों के बारे में, तो हम use करते हैं and, okay? Now take your new page. Now we will write about BUT but. So at the middle of the notebook, write BUT but. Okay. Write here BUT but. Now we will write an explanation where to use BUT but. कहाँ यूज करते हैं हम बट का? वी विल यूज बट विद ऑपोजिट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ओके, सो हियर वी विल राइट वी यूज बी यू टी बट विथ डब्ल्यू आई टी एच विथ ऑपोजिट. ऑपोजिट मतलब उल्टा, है ना? ऑपोजिट जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है. ऑपोजिट नेचर सेंटेंसेस. Stop. हम किसके साथ में यूज करते हैं बट को? जब हम बात कर रहे हैं तो अलग तरह की सेंटेंसेस के बारे में, है ना? ठीक है, इसने बहुत पढ़ाई की पर वो पास नहीं हो पाया, तो हम बता रहे हैं कि उसने मेहनत तो बहुत की लेकिन वो पास नहीं. जहां पर लेकिन हम यूज करते हैं हिंदी में, उसमें हम इंग्लिश में यूज करते हैं ब्यूटी बट, जहां पे हम ऑपोजिट टाइप के नेचर की बात करते हैं. Now first to complete the explanation part, then we will write some of the sentences using BUT but.
Okay, now after that you have to write number one in your notebook. I like mangoes. They are ripe. R-I-P-E, ripe. Full stop. Okay? मुझे mangoes पसंद है लेकिन ये mangoes कच्चे हैं. तो I like mangoes but they are ripe. Now number two, she did not graduate, not not pass, P A double S pass. Full stop. At the end of the sentence, it's compulsory for you to put full stop. That means here you had stopped writing the particular sentence. Okay. Okay, now number three, I have no space there on the same page. So I am going to rub the board and I am going to take new page. Same, if you have no space in your notebook, you can take new page. Otherwise, you can drop one line and write number three on the same page. Okay? Seema likes L-I-K-E-S likes to eat ice cream Seema likes to eat ice cream but
bird, beauty bird. Seema likes to eat ice cream but not cake. C-A-K-E, cake. Full stop. Okay? Number four. He is very tall, but beauty, but not, not, not. Strong. Full stop. Now after that, on your new page, you have to write O-R, on. O-R, or at the middle of the notebook, you have to write O-R, on. Explanation is like this. We use on with option type sentences. Full stop. Okay? हम और का use कब करते हैं? जब हमारे पास में कोई choice होती है, option होता है, तब हम use करते हैं or, or. So after that, we have to write number one. You go. साथ जाऊंगी या टीना के साथ. सो आई विल गो विथ रीना और
Now see here, I have no space here, so I am going to rub the board and I am going to write number 3 sentence here. Y-O-U, you want, W-A-N-T, want to eat cake, or you want to eat cake or chocolate, C-H-O. Number 4, first complete this. He wants to, you can write above, except of wants, he may go by bus or car. C-A-R, car, full stop. He may go by bus or car. Car se bhi ja sakta hai, bus se bhi ja sakta hai, okay? Go by bus or car. Ya to bus se jayega, ya to car se jayega. So he has option here. So complete these 4 sentences. We had written some sentence using and, but and or. Now I hope so that you are able to do this concept by yourself. So take care of yourself. Repeat the concept again and again in your notebook. You can also repeat this concept in your rough notebook so that you are able to do the concept properly. Okay, bye. Have a nice day.